किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बात करते हैं इंदौर मंडी के भाव के बारे में। आज जैसे कि दिनांक आपको पता है 27 फरवरी 2021 हो चुका है। तो किसान साथियों 27 फरवरी 2021 को क्या खुला है इंदौर मंडी का जो मार्केट है, क्या खुला है ऊपर में जो बाज़ार है, वो कितनी तेज़ी कितनी नरमी देखने को मिली है। तो चलिए किसान साथियों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊँगा। और माहौल आज कैसा है इंदौर मंडी का, क्या 100 रुपये नरमी देखने को मिली है या तेज़ी ही तेज़ी देखने को मिली है, तो सारी अपडेट बताने के लिए किसान साथियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए किसान साथियों बात करते हैं आवक की। तो आवक 25 से 28 हज़ार कट्टे आज देखने को मिली है इंदौर मंडी में। वहीं पर अगर सुपर क्वालिटी के प्याज की बात करें तो 2700 रुपये तक के भाव में, ऊपर में जो टॉप क्वालिटी की बोली हम जिसे बोलते हैं वो 2700 रुपये तक के भाव में लग चुकी है। सुपर क्वालिटी के प्याज की बात करें तो 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक भाव में देखने को मिला है। वहीं पर अगर लड्डू प्याज की बात करें किसान साथियों तो 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज आज देखने को मिला है। गोल्टा प्याज की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। और छोटे प्याज की बात करें तो 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। किसान भाइयों आज माहौल कल जैसा ही देखने को मिला है, आज भी कल जैसा ही माहौल इंदौर मंडी में देखने को मिला है। ये इंदौर मंडी की फाइनल अपडेट है, फाइनल रिपोर्ट है किसान साथियों। ये रिपोर्ट ये अपडेट हमारे पास अभी ही अभी अपडेट होकर डायरेक्ट ही इंदौर मंडी से ही अपडेट होकर आई है।